जिंदगी की इब्तिदा के साथ ही तीन चीजों को तख्लीक किया गया, इंसान को मट्टी से, फरिश्तों को नूर से, और तीसरी मखलूक जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं, आग से। जिन्नात ने हजारों साल तक दुनिया पर हुकूमत की, फिर जैसे ही इंसान को खुदा का नायब बनाकर जमीन पर भेजा गया तो इनमें से एक गिरोह जिन्हें शयातीन कहते हैं, उन्होंने बगावत कर दी। शयातीन का मानना था कि आदम की औलाद कम अक्ल है और उन्होंने इंसानों को बहकाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जिन्नात के खिलाफ इंसानों की मदद करने का आजम कर लिया, और ये बात इंसानों के हक में थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान जिन्नात की असलियत को भूल गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंसानों को याद दिलाया जाए, जिन्नात अब भी वजूद रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है, मैं तुमसे उसे वापस लेने आया हूं। तुम उसका जिस्म तो अपने पास रख सकते हो, लेकिन उसकी रूह नहीं, उसे मुझे वापस दे दो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस्म मेरे दुश्मन के नाम पर दफनाया गया था, अब ये मेरा है। ये जिस्म मेरा है। मैं यहाँ सिर्फ उस लड़की के लिए आया हूँ, तुम उसे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। बात सिर्फ लड़की की नहीं जहांगीर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लो? मेरी बात याद रखना, मैं एक एक करके तुम्हारे सारे बच्चों को मार दूंगा, वो भी नस्ल दर नस्ल, और तुम्हारे नाम को मिटा दूंगा। कमीने! हेलो, क्या ये मिस्टर अमीन का घर है? ओह नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये वॉकर्स का घर है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। चलें ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से तुम्हारी सालगिरह का तोहफा आया है। पर आज मेरी सालगिरह तो नहीं, शायद किसी के ख्याल से आज तुम्हारा बर्थडे है। वैसे है बहुत प्यारा गिफ्ट। इट्स डीडब्ल्यू प्रेजेंट्स। किसने भेजा होगा ये?
इस पर ना तो कोई नाम लिखा है और ना ही कोई एड्रेस और ना ही इसके लिए मुझे कोई रिसीविंग साइन करना पड़े। हाँ अच्छी बात है। बहुत अजीब है ना। ये कैसा गिफ्ट है? एक VHS? मुझे तो ये कोई अच्छी वीडियो नहीं लगती। बगैर VCR के इसको देखेंगे कैसे? मेरे ऑफिस में VCR है। हाँ जानती हूँ। ओह नहीं, मेरा डिनर आज फिर नहीं। कम ऑन। ओह शिट। अब हंसो तो मत प्लीज। ओह आई एम सॉरी। अब तुम परेशान मत हो, हम कहीं बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। ओह मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मैं दोबारा बनाती हूँ। ये चीज पिछले 2 दिनों से वहीं पर मौजूद है। मेरे ख्याल से जैसे ये किसी गत्ते से बनी ड्राइंग है, लेकिन मुझे बहुत उलझन होती है इसको देखकर। शॉन तो मुझे सुन रहे हो ना? हनी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ बुरा ख्वाब देखा क्या? किसी का घर चल रहा था, मैंने अपनी मां की आवाज भी सुनी। कौन है वहां? कौन है वहां? गैब्रियल, शुक्र है खुदा का। मैं समझा वो आज रात जल्दी आ जाएगा। पैगाम पहुंचा दिया गया है। तुम्हारा शुक्रिया गैब्रियल। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं अली, यह हम सब की जिम्मेदारी थी। तुमने ठीक कहा। अब हम इसी उम्मीद पर दुआ करते हैं। हे जेस, तुम जानती हो फायर ब्रीदर के ऑर्डर के बाद मेरे साथ क्या हुआ? मुझे फायर ब्रीदर 2 का भी ऑर्डर मिल गया और सबसे अच्छी बात यह, मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। ये तो अच्छी खबर है। तो मैं पिछले हफ्ते हम दोनों ने जो बात की थी, मैं उसके लिए तैयार हूं और यही सही वक्त है। जेस, हे हनी, तुम ठीक तो हो? जेस, हे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूं। बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं पर कैसे बताऊं। मगर ओके, जो भी बात है तुम मुझे बताओ, हम मिलकर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मां बनना नामुमकिन है शॉन। तुम कब से जानती हो? दरअसल आई नो आई शुड हैव टोल्ड यू, बट मुझे डर था तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
झूठ भी नहीं बोल सकती तुमसे। शॉन, अगर तुम ये टेप देख रहे हो तो इसका मतलब है कि काफी मुद्दत से हम एक दूसरे से नहीं मिले। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि इन सब बातों का मतलब यह है कि तुम भी मेरी तरह बगैर बाप के ही बड़े हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया और अब जो कुछ मैं करने वाला हूं, याद रखना कि वो सब तुम्हारी मां और तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। तुम्हारे साथ बहुत अजीब वाकयात रोनुमा होंगे, जैसे मेरे साथ हुए हैं। यहां बहुत सी मखलूकात हैं जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सच है और वो बुराई की हर हद तक जा सकते हैं। इस टेप के मिलने का मतलब है कि यहां तुम्हारे दोस्त भी हैं। उन्हें ढूंढो, हर उस चीज की तलाश करो जो तुम जानना चाहते हो और जो तुम्हें मजबूत बना सके। ये बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारे खून में मौजूद है शॉन। अगर तुम ये टेप देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि शॉन, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। तुम ये सब कर सकते हो। ये तुम हो। हाय बेटा, कैसे हो तुम? हम मिलकर खेलें। थैंक यू। I love you so much, Sean. And I don't even know if you remember my face, or if you remember who I am. But this is your father speaking, Sean. And I'm telling you to fight it. Fight it until you can't fight it anymore. All the ones I missed. Happy birthday, Sean. And good luck. मैंने वो वीडियो देख ली है, मुझे तुमसे बात करनी है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी हनी। हनी मुझे जल्दी कॉल बैक करो। ओके ओके। इट्स DW प्रेजेंट्स तुम मुझे सुन सकती हो? स्वीटी फोन उठाओ जल्दी से। जेस जेस,
कहाँ तुम? हनी, तुम मुझे सुन रही हो? स्वीटहार्ट, इमरजेंसी है? हाँ, मेरी बीवी लापता है, मेरे घर का सामान भी बिखरा पड़ा है, किसी को फौरी मेरी मदद के लिए भेजे। हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ और तुमने कुछ देर पहले ही अपनी बीवी को छोड़ा। तुम लोगों की लड़ाई सिर्फ जबानी कलामी हुई थी। मैं थोड़ा अपसेट था और वो रो रही थी, फिर मैं चला गया। क्या यह है तुम्हारी बीवी? ओह माय गॉड, शॉन, कहाँ थी तुम? मुझे तो कहानी कोई और ही लगती है। मैं डर गया था, शायद तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, तुमने फोन भी नहीं किया। मैं माफी चाहती हूँ, मैं वॉक के लिए गई थी। मैं यहाँ आया और घर की ये हालत देखकर परेशान हो गया कि ये सब क्या है। मैं सबके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है कि ये शरारत आपके आसपास के बच्चों ने ही की होगी। okay. हम लोग चलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। तुम ठीक हो? हाँ। क्या दरवाजा खुला था? नहीं नहीं, ये बंद था और पुलिस का कहना है कि कोई अंदर नहीं आया। ये सब क्या है? hey, अब आराम से सो जाना। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। थोड़ी देर मेरे पास बैठो। तुम जानते हो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। I love you too, baby. और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और ये कि मैं चाहती हूं कि तुम एक नई दुनिया बसा लो किसी के साथ। yes. नहीं शॉन, तुम एक फैमिली चाहते हो जो तुम्हारा हक है, और ये मैं किसी भी कीमत पर ये हक तुमसे छीनूंगी नहीं। और रही बात मेरी, तो मैंने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। प्यार करता हूं तुमसे। जानती हूं, हमेशा करूंगा, सिर्फ तुमसे। शॉन, बाहर आओ, जल्दी आओ। सब ठीक है? ये देखो, मैं बाहर बस पानी पीने के लिए आया और ये पता नहीं क्या है, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो ये सब ठीक कर दिया था, ये सब कैसे हो गया? शॉन, हाँ, से निकलो फौरन, जल्दी करो। हेलो, तुम ठीक तो? तुम कौन हो? जल्दी से कैथेड्रल पहुंचो। मैंने पूछा कौन हो तुम? इन बातों का वक्त नहीं, तुम जल्दी से वहां पहुंचो। शॉन, हाँ, मेरा नाम गैब्रियल है। जैस्मिन, डरने की जरूरत नहीं, तुम इस चार दीवारी में महफूज हो, वो यहां नहीं आ सकते। रुको, क्या तुम ये सब कैसे जानते हो? और हमारे बारे में भी सब तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? चर्च में ऐसी जुबान नहीं बोली जाती बेटा, और ना ही मुझे ये सब पसंद है। प्लीज, क्या कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? तुमने वो टेप नहीं देखी? देखी है,
तुम हर चीज के बारे में कैसे? वो टेप मैंने ही तुम्हारे लिए संभाल रखी थी। ओके, जो भी हो, पर मुझे तुम पर यकीन नहीं। फिर तुम यहां क्यों आए? मैं नहीं जानता। तुम जानते हो। तुम्हारा यकीन ही तुम्हें यहां लाया है। तुम्हारे यकीन के बगैर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। किस चीज पर यकीन? ओके। ये कैसे किया तुमने? अच्छा जैस, ये बताओ कि जो मैंने अभी किया, लोग इसे क्या कहते हैं? जादू? ये बस एक जादू था और क्या? या जिन? मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता। जिन? जिन, भूत और चुड़ैलों का कोई वजूद नहीं होता। ये कुछ और है, और मेरे मुताबिक फिलहाल इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। तुम जानते हो, शुरू में तीन चीजें बनाई गई। इंसान मट्टी से, फरिश्ते नूर से, और तीसरी चीज आग से बनाई गई, जिसे जिन कहते हैं, और वही तुम्हारे दुश्मन है। क्या ये सच है? मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये पागलपन लग रहा है। ओके, अगर तो ये बात सच है तो हमने पहले क्यों नहीं सुना इसके बारे में? क्या तुमने तौरात पढ़ी है शॉन? और ज्यादातर लोग उसे हजरत इसहाक का वसीयतनामा कहते हैं। उसमें एक ऐसी मखलूक का जिक्र है जो बनाई तो आग से गई है, मगर देखने में इंसानों जैसी है, और उस मखलूक का वजूद कोयले और पिघली हुई धात जैसा है, और उनका वजूद पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। पर वो हमारे आसपास ही होते हैं, क्योंकि जिन्नात पहले आए, इसलिए अब वो अपनी दुनिया वापस जाते हैं। वो जलते हैं इंसानी तखलीक से और उनके सोचने समझने की सलाहियत से। वो हमारे ही पीछे क्यों है? जिन्नात ने एक पेशन गोई की थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और उनमें से एक तुम्हारे दादा भी थे। तुम भी उसी नस्ल में से हो, इसलिए वो तुमसे डरते हैं। ये लोग पागल है शॉन, चलाओ हम चलते हैं। शॉन, हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। ओके ठीक है। इट्स DW प्रेजेंस। हमें भी ऐसी ही मदद चाहिए थी। रुको, ये लो। जब भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना हो, इसे इस्तेमाल करना। वाह ग्रेट, थैंक यू। ये किचन के कामों के लिए काफी अच्छी है। एक मिनट, ये बात याद रखना कि तुम खुदा के किसी भी घर में महफूज हो। ठीक है, आपका शुक्रिया। वॉकर्स से फादर वेस्टऑफ के बारे में पूछना। क्या मतलब है इस बात? उनसे मेरे बारे में पूछना। माँ, डैड, दरवाजा खोले, मैं हूं। तुम्हारा बाप। एक अरसे के बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये टेप तकरीबन 25 साल पहले बनाई गई। इसमें कुछ अजीब है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जब मैं उन दो आदमियों से मिला तो मुझे पता चला कि हमारी जान खतरे में है। उसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल बकवास हैं। शॉन, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत अजीब हो रहा है माँ, ये सब नाकाबिले यकीन है। उस घर से मुझे डर लगता है अब। किस चीज का डर? हमारे घर में कोई आया था। क्या? हमारे घर के सामने वाले अपार्टमेंट से हमें कोई देखता रहता था। पता नहीं वो टेप कहाँ से आई, और वो लोग कहते हैं ये सच है। कोई चीज तो ऐसी है जो हमारा पीछा कर रही है। क्या? कौन पड़ा है तुम्हारे पीछे? नहीं जानता, शायद कोई जिन। क्या क्या आप जानते हैं ये क्या है? मगर वो फादर जिनसे तुम्हें हमने गोद लिया था, उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि तुम हमेशा अपना ये लॉकेट पहनोगे। उन्होंने भी जिन्नात के बारे में जिक्र किया था, मगर मुझे लगा था कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, और मुझे कुछ याद नहीं। क्या नाम है उसका? वेस्टहॉफ, फादर वेस्टहॉफ। शॉन प्लीज मत जाओ ना। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मेरी बात को समझो, हम यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। तुम ये जानती हो मैं खतरों से भागने वाला नहीं। शॉन प्लीज,
मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आई लव यू। जानती हूं। जैस्मिन! 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 हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम उसे उसकी मर्जी के बगैर नहीं रख सकते। ये तब मुमकिन था जब वो बच्चा था। मेरे ख्याल से ये कुछ और है। वो शायद इनका खानदान हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। मैं दुआ करता हूँ कि सब पेशेंगोयां गलत हो। लेकिन आप इतने सालों से कभी गलत नहीं हुए फादर। बात कुछ और है गैब्रियल। उसे हम पर यकीन नहीं और यही खतरनाक बात है। से डरेंगे मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो तुम्हारी ताकत से डरते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या हूं मैं? जिन्नात और इंसान की जंग में इन दोनों में से वही जीतेगा जो ताकतवर होगा। ये पेशेंगोई लिखी हुई थी एक जिन स्क्रॉल में जो के काफी अरसा पहले खो गई थी, और जो इस जंग में जीतेगा दुनिया पर उसी की हुक्मरानी होगी और इसके साथ ही एक सुनहरी दौर का आगाज होगा। तो क्या वो मैं हूं? हां तुम हो। शॉन तुम कहां हो? शॉन मेरे बेटे तुम कहां हो? इस घर से जल्द बाहर निकलो शॉन। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम इस घर से दूर रहना। I love you. Shaun!
शॉन, ठीक से सोए थे तुम? काश ये कोई ख्वाब होता। हाँ काश ये ख्वाब होता, मगर अभी हमारे पास वक्त कम है। हमें कुछ जवाब चाहिए और सिर्फ एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। जिन्नात का एक गिरोह है जिसे शयातीन कहते हैं, वो शैतान की पूजा करता है। बाकी जिन्नात भी उनसे बहुत डरते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। अगर वो इतने ही ताकतवर है तो मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा? ताकतवर दिलो दिमाग के लोग उन्हें महसूस कर सकते हैं, बहादुर लोग उनसे लड़ सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। मगर ऐसा आखिरी आदमी 100 साल पहले था, जहांगीर अमीन, तुम्हारे परदादा थे वो। उन्होंने एक लड़की को बचाने की कोशिश की जो एक जिन के कब्जे में थी, और अब वही जिन तुम्हारा पीछा कर रहा है। कार अच्छी है तुम्हारी। शुक्रिया। क्या मैं जिन से भी तेज हूं? मैं यहां पर अली अमीन को मिलने आया हूं, कमरा नंबर 413। ठीक है, इधर आओ, हाथ ऊपर करो। ओके ठीक है, जेंटलमैन मुझे फॉलो करो। यकीन नहीं आता, जो आदमी जैस्मिन को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है वो यहाँ पर है। जरूरी नहीं जो नजर आए वैसा ही हो। ए, सुनो, तुमने वो बेन के साथ कैसे किया था? मकनतीस। ओके ठीक है दोस्तों, इस तरफ आ जाओ। मेरे पीछे आओ। एक बात याद रखना, वो जहनी मरीज है और खतरनाक भी है, इसी वजह से हमने उसे अलहदा रखा हुआ है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दरवाजा खटखटा देना। ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है। इधर आओ। डरो नहीं, बैठ जाओ। मेरी आंखों में देखो। मेरी बात याद रखना, मैं एक एक करके तुम्हारे सारे बच्चों को मार दूंगा, वो भी नस दर नस, और तुम्हारे नाम को मिटा दूंगा। शॉन, वो हमारा यकीन नहीं करता और ये खतरनाक है, मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने जो भी किया तुम्हारी मां की और तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। सब कुछ बहुत अजीबोगरीब होने वाला है शॉन। वो तुम्हारे पीछे हैं और वो बुराई की किसी भी हद तक जा सकते। यू हैव इन योर ब्लड जस्ट लाइक आई डिड। तुम जानते हो कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूं। मैं जैस्मीन हूं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम एक फैमिली चाहते हो और मैं तुमसे यह हक नहीं छीनना चाहती। तुम्हें किस बात का डर है? मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें समझ आ रही है ना? तुम्हें उसकी धड़कनें सुनाई दे रही हैं? हाँ मैं सुन सकता हूं। ये सब इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। ये कुछ लोग ही देख सकते हैं जैसा कि मैं, और वो ऐसे ही नस्ल दर नस्ल आते रहेंगे हमारी जान लेने के लिए। वो हमारे साथ ही रहते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो इसे खत्म कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे बेटे दोनों में ये रूहानी ताकतें मौजूद। नहीं, ये नामुमकिन है। उसने कहा था वो माने। शायद वो ये नहीं जानती, पर तुम ये गलती मत करना, वो जरूर मां बनेगी तुम्हारे बेटे की।
और कितना वक्त बर्बाद करोगे तुम? इसे वो सब करना होगा, इसे चिल्ला काटना होगा। क्या चिल्ला? कौन सा चिल्ला? मेरी आंखों में देखो वो सब जो महसूस कर सकते हो। उस याद में जो तुम्हारे बुजुर्गों की है, ये तो हकीकत जैसा है क्योंकि ये सब तुम्हारे जहन में है। दुनिया के बहुत से रुख हैं लेकिन तुम्हें तवाज़ुन में रहना होगा अपना चिल्ला पूरा करने के लिए। तो ये है चिल्ला। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल होगा। मैंने उनसे डरकर अपना चिल्ला खराब कर लिया था। वो तब से ही हमारे पीछे हैं क्योंकि मैंने उन्हें रोकना चाहा। किस चीज से रोका तुमने? तुम तक पहुंचने से। क्योंकि शॉन, मैं भी जहांगीर का बेटा हूं। मैं तुम्हारा अंकल हूं। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? वो नहीं चाहता था कि तुम उसे इस हालत में देखो। ये तुम्हारे वालदेन के मरने के बाद से ही तुम्हारा यहां पर मुंतजर है। जैस्मिन, मेरा बच्चा। हां, मगर तुम्हें ये यहां आकर ही पता चलना था। और अगर वो चिल्ला नाकाम हो गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदा, वो सुन रहे हैं। भागो, भागो यहां से तुम दोनों, जल्दी करो, रुकना मत। वो आ रहे हैं, निकलो, रुको मत, निकलो यहां से, वो आ रहे हैं। भागो भागो, भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, भागो 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 भागो। शॉन देख के, शॉन भाग जाओ यहां से। यहां मत रुको शॉन, चले जाओ। मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस मत देखो। यहां से भाग जाओ शॉन, जाओ, चले जाओ।
नहीं लगता दिल में ढोलना, बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारी जंग उनसे है जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर है, और उनसे लड़ने के लिए हमें खुदा से पनाह मांगनी है, ताकि जब वो वक्त आए तो हमारे पास खुदा की दी हुई ताकत हो उनसे मुकाबला करने के लिए। आमीन। फादर वो सब क्या था? गैब्रियल भी एक जिन है, और वो उनमें से है जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। तुम्हारे वालदैन के मरने के बाद तुम्हें यहां कौन लाया था, बताओ मुझे? अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को चर्च में महफूज कर लो, या फिर ये सब खत्म कर दो। मैं इसे कैसे खत्म कर सकता हूं? ये सब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। तुम्हें जमजम के चश्मे का वो पानी चाहिए होगा जिसे इब्राहिम की औलाद ने बचाया था। ये आबे जमजम इंसानों के लिए तोहफा है, और जिन्नात के लिए जहर कातिल। अगर उन्हें काबू करना चाहते हो तो उन पर आयात पढ़कर फूंकना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो आयात जो जिन्नात के बारे में है, जैसे ही तुम उन्हें पढ़ना शुरू करोगे चिल्ला शुरू हो जाएगा। Like the pendant on your necklace, it doesn't fully exist in our dimension, but this can cut into theirs. But before you can wield it properly, you will have to pass the chilla. The chilla is a test, a physical, mental, and spiritual test of fear, of fears unique to you, because they arise from within you, your own memories, your own darkest thoughts. No one, not even me, can prepare you for what you face, but there are some things that can help you. Please, Neil. Both knees. You will need Zamzam water. Holy water from Mecca that saved the son of Abraham. Its power is a gift for man, but even diluted, it can harm those made of fire. To the Shayateen jinn, it is like poison. The verse of the jinn, written or spoken, can weaken them, even trap them. Once you recite the verse, exactly as I'm going to teach it to you, the chilla will begin. फिर क्या होगा? फिर वो आ जाएंगे। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम्हारी तवज्जो एक ही जगह मरकूज रहे, और एक लम्हे के लिए भी अपने ख्यालात को बदलने मत देना। तुम्हारा चिल्ला रोकने के लिए वो मुख्तलिफ हथकंडे अपनाएंगे जिनसे तुम डरते हो। अपना काम पूरी यकसुई के साथ करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी तवज्जो हटी वो तुम पर हावी हो जाएंगे, और तुम्हें मारना उनके लिए आसान हो जाएगा। और जब तुम चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो जाओगे तो खुद ही जान लोगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या है।
मुझे सबसे रोकने के लिए आए हो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते थे? मैं जानता हूं तुम मुझे सबसे रोकने के लिए आए हो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते थे? मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारता रहूंगा कयामत के दिन तक, और ये दुनिया फिर से हमारी हो जाएगी। हमेशा के लिए भागो, भागो। शैतान रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर 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 रजीम। हेलो शॉन, शॉन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शॉन प्लीज मत करो। शॉन प्लीज, देखो मैं वहां से भाग आई हूँ। फादर ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है शॉन, ये चीजें तुम्हें मजबूत नहीं कर रही। ओ मेरे खुदा, कोई आ रहा है। मेरी तरफ देखो शॉन, मेरी आंखों में देखो शॉन, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज शॉन, वो हमें मार देंगे। अपने बाप की तरह देखो उन्होंने तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया, देखो मेरी तरह।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जाने वाले सब मर गए। शुरू से लेकर अब तक सिर्फ मैं ही हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और मुझे मालूम था कि तुम क्या हो। हम तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दे सकते हैं। तुम बादशाह बन सकते हो हजारों जानशीनों के साथ, और हजारों जैस्मिन भी होंगे। पर मुझे एक ही चाहिए, मेरी। तो बताओ कहां है वो? जंग शुरू हो जाएगी शॉन। इंसान और जिन्नात इसे रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है, पर मैं इसे रोकूंगा। तुम दायरे से बाहर हो। औसबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो तुम दोबारा आगे लड़ने के लिए? ओ नहीं, आज रात तो नहीं। मेरा चिल्लाच खत्म हो गया है। आज रात तुम सब हारोगे। तुम मुझे पकड़ सकोगे। मैंने तुम पर रहम किया, मगर अब नहीं। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ मेरा मुकाबला। इसकी हिफाजत फरमा मेरे खुदा। मैंने वो सब किया जिसमें आपकी रजा थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाबाश, ऐसे ही चलती रहना। शाबाश, इसे दिखा दो कि ये हमें नहीं पकड़ सकता। आओ देखता हूं तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। कम ऑन। बेबी, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। आओ पकड़ो मुझे। Thank you.
ये जंग अच्छाई और बुराई के दरमियान है। मैं तुम जैसे बहुत सो को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं। यकीन नहीं आता? चलो इसे खत्म करें। शैतान रजीम शॉन जल्दी करो। मार दो इसे। दिखाता हूं तुम्हें। इधर आओ, आओ मेरे पास।
उठ जाओ। Thank you.
बना लिया है, मगर अब और जिन्नात को अपना दुश्मन मत बनाना। तुम्हारे पास ताकत है, मगर तुम कोई फरिश्ते नहीं हो। मेरी बीवी कहां है? कहां है मेरी बीवी? ओके, अगला कौन है? कहां है वो? कहां है वो? कहां है वो? सब मेरे लिए किया। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की हिफाजत इसकी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने तुमसे ये इसलिए छुपाया कि तुम्हारे दुश्मन न जान सके। सब कुछ तैयार है। ओह थैंक यू, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं, रहने तो सब हो गया। ये नई रेसिपी है? नहीं, पुरानी है, तुम्हारे बाप ने मुझे सिखाई थी। मीठा बाद में। बहुत मजे की है, पर ये इतना मीठा नहीं जितना मेरा ये छोटा सा स्वीट सा प्यारा सा बच्चा है। तुम बिल्कुल एक फरिश्ते हो, मेरी तरफ देखो। अब आपको मुझे ये बनाना सिखानी होगी। शॉन, तुम इसके हाथ का बना खाना खा लोगे? बिल्कुल नहीं। वेरी फनी, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। माय स्वीट बेबी। ओह, मैं पकड़ता हूँ, रुको मैं देता हूँ। डैडी अभी देते हैं तुम्हें। मेरे ख्याल से बहुत देर से तुमने ऐसा काम छोड़ दिया था। मौत को करीब से देखकर सब याद आ गया।
तुम चाहते तो क्रिश्चियन भी बन सकते थे। असल बात है, चलो कुछ तो हुआ, कुछ ऐसा है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वैसे भी ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। मैं ऐसा नहीं। तुम उस लड़के की हिफाजत करते रहे और तब से जब से वो पैदा हुआ तुम्हें लगता कोई चीज तुम्हारी हिफाजत कर रही थी? ये मानना मुश्किल है। इन्हीं चीजों को तो मौजा कहते हैं। इट्स DW presents। ये एक अच्छी अलामत है ना? हाँ ये तो है। ये तुम्हारी मेहनत का सिला है गैब्रियल।
क्या लगा कि सब खत्म हो गया, ये तो शुरुआत है।